सो हाय मेरी जान, मैं आ चुका हूँ आज कुछ नई वीडियो के साथ। भाई अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इस टाइप की एडिटिंग सिखाने वाला भाई, अगर आपको भाई ऐसी एडिटिंग करनी है ना तो भाई वीडियो का फुल वॉच करना होगा। भाई अगर चैनल पर नया है ना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो भाई सिंपल सा भाई, आपको ऐसी एडिटिंग करने के लिए एंड फेस स्मूथ करने के लिए भाई आपको वीडियो को पूरा फुल वॉच करना पड़ेगा। सो भाई अगर आपको ऐसी एडिटिंग करनी है भाई, आपको कोई सा फोटो लेना है, जैसे कि मेरा ये वाला फोटो है भाई, तो भाई मैं इसको लूँगा। सो भाई इसको लेने के बाद भाई आपको इसको सेंड कर देना है भाई लैडरूम में। सो भाई इसको लेने के बाद भाई इसको लैडरूम में सेंड कर देना है भाई। इसको सेंड करने के बाद ना भाई आपका फोटो वहाँ पर सेंड हो जाएगा। सो भाई सिंपल सा भाई, मैं इसको वहाँ पर सेंड कर दिया लैडरूम में। सो भाई मैं इसको लैडरूम में भाई चले जाता हूँ भाई, आपको वहाँ पर चले जाना है भाई। वहाँ पे आने के बाद ना भाई आपको यहाँ से भाई मैं एक क्लिक में एडिटिंग सिखा दूँगा भाई। सो भाई मेरा फोटो जैसे कि यहाँ पे आ चुका है, ये रहा मेरा फोटो। सो भाई इसको यहाँ पे आने के बाद ना भाई कुछ नहीं करना है। सो भाई यहाँ पे इसको आने के बाद आपको भाई जैसे कि इस फोटो को भाई यहाँ पर आने के बाद ना भाई आपको उस फोटो को वहाँ पर भाई आने के बाद उस पर क्लिक करना है भाई। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो भाई यहाँ पर तीन बिंदु है, जैसे भाई थ्री डॉट है, तो भाई इस पर क्लिक करेंगे ना भाई नीचे लिखा रहेगा पेस्ट सेटिंग। सो भाई जैसे आप पेस्ट सेटिंग क्लिक करते हैं ना भाई, आपकी एकदम बहुत बहुत तरीके से फोटो एडिटिंग हो जाएगी। सो भाई जैसे मैं क्लिक किया हूँ भाई, देखो एक क्लिक में इतनी खतरनाक फोटो एडिटिंग हो चुकी है भाई, बिफोर एंड आफ्टर। सो भाई इतना होने के बाद भाई आपको सिंपल सा भाई इस फोटो को सेव कर लेना है अपनी गैलरी में। सो भाई मैं अपनी गैलरी में इसको सेव कर लेता हूँ भाई, आपको भी अपनी गैलरी में इसको सेव कर लेना है फोटो को। सो भाई जैसे कि मैं इस फोटो को अपनी गैलरी में सेव कर लिया हूँ भाई, इसको ओके कर देना भाई। ओके करने के बाद भाई यहाँ से कट करना है। सो भाई जैसे आप इसको कट करेंगे ना भाई, आपको यहाँ पर जाना है गैलरी में। सो भाई मैं गैलरी में आ चुका हूँ भाई, मेरा फोटो ये रहा। तो भाई मैं इतना फोटो भाई मेरा बन चुका है लैडरूम से। सो भाई इसको यहाँ पर आने के बाद इसको सेंड कर देना भाई स्नैपशीट में। सो भाई आपको इसको स्नैपशीट में सेंड कर देना है भाई। यहाँ पे आने के बाद ना भाई आपको टूल्स पे जाना है भाई। टूल्स पे जाने के बाद ना लिखा भाई यहाँ कर्वर्स, तो भाई इस पर क्लिक करेंगे ना। सो भाई आप इसका ह्यू को भाई थोड़ा डाउन करेंगे ना, सो भाई ये आपका फोटो एडिटिंग होना शुरू हो जाएगा। सो भाई मैं जैसे कर रहा हूँ भाई, आपको रेड करना है, फिर उसके बाद भाई आपको क्लिक करना है भाई ग्रीन पे। सो भाई आपको ग्रीन पे क्लिक कर देना है। सो भाई ग्रीन पे क्लिक करने के बाद भाई आपको यहाँ पे जाना है ब्लू पे, तो भाई ब्लू को भी आपको थोड़ा सा ह्यू को भाई ऊपर कर देना है। सो भाई इसको करने के बाद ना भाई आपको डन करना है भाई। डन करने के बाद ना भाई आपको यहाँ पे जाना है तीर वाले आइकन पे। यहाँ से भाई आने के बाद ना भाई लिखा रहेगा यहाँ पे व्यू एडिट्स। जैसे भाई आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो भाई यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन खुल के आ जाता है। सो भाई आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे भाई क्लिक करेंगे इस पर ना, सो भाई आपको फोटो को अपने जूम करना है और भाई अच्छे से अपने फोटो के भाई बैकग्राउंड पे इसको अप्लाई कर लेना है। सो भाई मैं वीडियो को फास्ट नहीं करूँगा भाई, इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर दूँगा भाई। आपको भी ऐसे अच्छे से अप्लाई करना है। तो भाई अगर आप भी ऐसी भाई मतलब ढांसू एडिटिंग भाई सीखना चाहते हैं ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो भाई मैं इसको ऐसे से पूरा बैकग्राउंड भाई अप्लाई कर लेता हूँ सिंपल सा। सो भाई जैसे कि मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ भाई, आपको भी अच्छे से भाई अप्लाई कर लेना है। सो भाई फोटो को जूम करके भाई, अगर फोटो को जूम करके भाई करेंगे ना भाई, बहुत अच्छे तरीके से होगा आपका फेस, मतलब भाई फेस नहीं होगा बट बैकग्राउंड हो जाएगा अच्छे से। सो भाई ऐसे आपको कर लेना भाई जल्दी जल्दी। भाई मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ भाई, आपको थोड़ा अच्छे से करना है, आराम से भाई, कोई जल्दी नहीं इसमें। सो भाई मैं ऐसे ऐसे इसको कर लेता हूँ अच्छे से अपने बैकग्राउंड को। तो भाई आपको भी ऐसे अपने बैकग्राउंड में कर लेना भाई। मैं मुझे भाई थोड़ा दिक्कत है ना, तो इसीलिए भाई मैं वीडियो को थोड़ा अच्छे से नहीं बना पाता हूँ। सो भाई मैं इसको पूरा अच्छे से कर लेता हूँ अच्छे से भाई ऐसे पूरा बैकग्राउंड पे। तो भाई आपको भी भाई ऐसे कर लेना है। सो भाई जैसे कि मैं इसको कर लिया हूँ ना, सो भाई देखो मेरा बिफोर एंड आफ्टर। सो भाई इतनी बहुत तरीके से भाई एडिटिंग हो गई अपनी। तो भाई इसको डन करना भाई। डन करने के बाद ना भाई आपको फोटो को सेव कर लेना अपनी गैलरी में। सो भाई जैसा कि आप अपने फोटो को भाई अपनी गैलरी में सेव कर लेंगे ना, सो भाई आपको वहाँ से भाई इसको सेंड कर देना है स्केच बुक में। सो भाई जैसा कि आप इसको स्केच बुक में सेंड कर देंगे ना भाई, तो भाई यहाँ से आपका फेस स्मूथ करना है भाई आप हमको। तो भाई आपको फेस स्मूथ करने के लिए भाई आपको यहाँ से जाना है ब्रश वाले आइकन पे। भाई यहाँ पे आने के बाद ना भाई यहाँ पे रहेगा एक ब्रश, ये वाला स्मूथ पे भाई क्लिक करने के बाद ना आपको भाई ये ब्रश लेना है भाई। ये ब्रश है आपको भाई, ये ब्रश लेना है। तो भाई इसको लेने के बाद ना भाई आपको फोटो को भाई जूम करना है भाई अपने फोटो को, और भाई साइज़ को अपने फोटो के हिसाब से भाई बड़ा छोटा कर लेना है भाई। करने के बाद ना भाई आपको इस पर ड्रॉ करेंगे। जैसे भाई आप इस पर ड्रॉ करेंगे ना, सो भाई आपका फेस स्मूथ एकदम बहुत तरीके से भाई होना शुरू हो जाएगा। तो भाई यही भाई फेस स्मूथ का भाई राज है और कुछ नहीं राज है इसमें। सो भाई ऐसे आपको पूरा अच्छे से भाई स्मूथ कर लेना अपने भाई फेस को। सो भाई जिसमें कर रहा हूँ, तो भाई आपको भाई कोई जल्दी नहीं करनी भाई, आपको अच्छे से पूरा करना है स्मूथ।
भाई साइज को बड़ी छोटी कर करके, तो भाई जैसे मैं कर रहा हूँ भाई आपको भी ऐसे स्मूथ कर लेना है। सो भाई अगर आपका भाई मतलब भाई अगर आपका भी मतलब भाई कहीं पे ब्लैक रहेगा ना भाई, अगर आप उसको चलाएंगे ना भाई वो हट जाएगा एकदम सिंपल तरीके से। सो भाई मैं ऐसे स्मूथ करता हूँ भाई, आपको भी ऐसे स्मूथ कर लेना है। सो भाई जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो भाई आप भी फटाफट से स्मूथ कर लीजिए। तो भाई ऐसे ऐसे मैं भाई पूरे फेस पे अपने अप्लाई कर देना भाई, आपको भी अपने हाथों पर भाई अप्लाई कर देना है। सो भाई सिंपल सा भाई मैं अपने हैंड पे भी अप्लाई कर लिया हूँ। सो भाई आपको भी ऐसे ऐसे अप्लाई कर लेना है। तो भाई ये बहुत बाल तरीके से फेस स्मूथिंग होती है भाई इस ब्रश से। तो भाई मैं इसको अपनी सेटिंग आपको दिखा देता हूँ अभी, रुकिए। तो भाई आपको ऐसे ऐसे अप्लाई कर लेना है भाई, ये होने के बाद ना भाई आपको अच्छे से पूरा करना है भाई आँख पे भी और भाई नाक पे भी। सो भाई जैसे मैं अच्छे से पूरा कर लेता हूँ स्मूथ, सो भाई मेरा अच्छे से पूरा स्मूथ हो गया है। तो भाई कोई पार्ट मेरा बचा नहीं है अभी। सो भाई मैं इसको कर लेता हूँ भाई अच्छे से, भाई हो चुका है मेरा भाई, कोई पार्ट बचा नहीं है भाई। आपका अगर बचा होगा ना भाई आप उसको कर लीजिएगा। तो भाई इसको होने के बाद ना भाई मैं इसको अपनी ब्रश दिखाता हूँ भाई और उसी सेटिंग दिखाता हूँ भाई, इस पर क्लिक करेंगे ब्रश वाले के ना। तो भाई ये रहा मेरा ब्रश और ये रहा भाई मेरी सेटिंग रही भाई। फोलो को भाई 3 रखना है भाई, स्ट्रेच को 2 रखना है। तो भाई ये ब्रश है, इसको भाई देख लीजिए सेटिंग है भाई, इसकी शॉट ले लीजिए। तो भाई इसको ऐसे रखना है। सो भाई आपको फिर से भाई फ़ोटो को सेव कर लेना अपनी गैलरी में। जैसे भाई मैं फ़ोटो को अपनी गैलरी में सेव कर लेता हूँ भाई अच्छे से, तो भाई आपको भी ऐसे अपने फ़ोटो को भाई सेव कर लेना अपनी गैलरी में। तो भाई सिंपल सा भाई मेरा फ़ोटो अपनी गैलरी में भाई सेव हो चुका है। सो भाई मैं कट करता हूँ यहाँ से भाई अपने, भाई कट करने के बाद ना भाई आपको अपनी गैलरी में चले जाना है भाई। यहाँ पे आने के बाद ना भाई यहाँ पे आपका फ़ोटो भाई बन के तैयार हो चुका है। जैसे भाई मेरा ये फ़ोटो रहा भाई पहले का। सो भाई ये रहा फ़ोटो भाई मेरा पहले का, ये रहा। तो भाई ये बन चुके, अब बन के भाई आ चुका है भाई ये फ़ोटो भाई फालतू है दो। तो भाई इसको मैं डिलीट करता हूँ भाई, देखो बिफोर है भाई, भाई आफ्टर। तो भाई इतनी बॉल देकर भाई फेस स्मूथ हो चुकी है। तो भाई वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।